दोस्तों गले में टॉन्सिल बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं और टॉन्सिल के अंदर कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे बार बार टॉन्सिल में इन्फेक्शन के कारण टॉन्सिल का बढ़ जाना, लंबे समय से टॉन्सिल का बढ़े होना, टॉन्सिल में पस पड़ जाना, पेरिटॉन्सिलर अब्सेस होना, टॉन्सिल में स्टोन पड़ना, टॉन्सिल में सिस्ट हो सकती है, टॉन्सिलर केराटोसिस हो सकती है इत्यादि। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉन्सिल में अगर एक्यूट इन्फेक्शन हो जाए या किसी कारण से टॉन्सिल बढ़ जाए, साथ साथ टॉन्सिल में सूजन आ जाए, तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों कुछ कंडीशंस हैं जिसमें टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, जैसे कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, पेरी टॉन्सिलर एब्सेस। ये तीन कंडीशन ऐसी हैं जिसमें टॉन्सिल बढ़ने के साथ साथ उसमें काफ़ी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट के गले में दर्द हो सकता है तेज का, कुछ भी गटकते समय सीवियर पेन होता है गले में, गटकना मुश्किल होता है, बुखार आ सकता है, गले में खराश हो सकती है, दर्द कानों तक जा सकता है, मुंह से बदबू आ सकती है, यहाँ तक कि मुंह का खोलना भी मुश्किल हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं उन बीमारियों के जिनमें टॉन्सिल बढ़ भी जाते हैं और टॉन्सिल में सूजन आ जाती है। इसके अलावा अगर टॉन्सिल लंबे समय से बढ़ा हुआ है तो हम उसे क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसमें टॉन्सिल बढ़े होने के अलावा कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, बस गले में टॉन्सिल बढ़ा हुआ होता है और हमें गले में कुछ फंसा हुआ सा लग सकता है। इसके अलावा कुछ कंडीशन में टॉन्सिल बार बार बढ़ते हैं और उनमें सूजन भी आती है, जिसे हम रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो टॉन्सिल में ये कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं और इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए डॉक्टर पेशेंट से हिस्ट्री लेता है, पूछता है कि क्या परेशानियां कैसे हुई हैं, उसके बाद गले को एग्जामिन करते हैं डॉक्टर और अंदर टॉन्सिल को एग्जामिन करके डायग्नोसिस बन जाती है। यूजुअली कोई जांच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी गले में कौन सा इन्फेक्शन हुआ है ये जानने के लिए थ्रोट स्वैब, यानी कि जो टॉन्सिल के ऊपर सलाइवा है उसको हम एक स्वैब स्टिक, कॉटन की बनी हुई स्वैब स्टिक पे ले लेते हैं और उसको जांच के लिए भेज देते हैं। इसके बाद टॉन्सिल किस वजह से बढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ दवाएं, कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। अधिकतर केसेस में दवाओं से पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी टॉन्सिल को सर्जरी करके निकालने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ केसेस में टॉन्सिल का निकालना ज़रूरी होता है। इसके इंडिकेशन के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। जिन पेशेंट में टॉन्सिल का निकालना ज़रूरी होता है, अगर ऐसे पेशेंट टॉन्सिल को नहीं निकलवाते हैं तो टॉन्सिल की वजह से उनमें कई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस और इंडिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी, यानी किन को टॉन्सिल निकलवा लेना चाहिए, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।